इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसमें आपको लगभग सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती है जो क्रेडिट कार्ड में आपको मिलनी चाहिए। आपको 10x रिवार्ड्स पॉइंट्स की फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है, जिसके रिवार्ड्स पॉइंट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट और रेलवे लॉन्च एक्सेस फ्री में यहाँ पर मिलता है। साथ साथ यहाँ पर कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिल, जीरो इंटरेस्ट चार्ज के साथ अप टू 48 तक यहाँ पर कैश विड्रॉल पर कोई चार्जेस नहीं लगता। नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं वहाँ आपको कैश विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो इंटरेस्ट चार्जेस लगता है। साथ साथ यहाँ पर ईएमआई ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज भी आपको मिलती है और यहाँ पर शॉपिंग के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर जीरो एनुअल चार्जेस, जीरो ज्वाइनिंग चार्ज के साथ यहाँ प्रोवाइड की जाती है। मीन्स यहाँ पर ये कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री बेसिस पे मिलता है। ये सारे ऑफर्स आपको प्रोवाइड करती है IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड। इसका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है, पेपरलेस है, ऑनलाइन तरीके से आप इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली यहाँ पर ₹750 का आपको कैशबैक का बेनिफिट भी आपको अलग से मिलेगा अगर आप कैश क्रो के थ्रू अप्लाई करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, कैश क्रो के बारे में आप लोग जानते हैं, कैशबैक बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आपको रियल कैशबैक का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कैश क्रो की वेबसाइट पर आ जाएंगे आप लॉग इन कर लेंगे और एक पर IDFC फर्स्ट बैंक सर्च कर लेंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑफर आपको दिख जाएगा ₹750 का आपको कैशबैक का ऑफर आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप IDFC फर्स्ट बैंक के वेबसाइट्स पे। सिंपली यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेंगे आप और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP टर्म एंड कंडीशंस फॉलो करके OTP सबमिट करेंगे। यहाँ पर पैन डिटेल्स अपनी फिल करेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और करंट एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर करंट एड्रेस डाल लेना और अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछे जाएंगे, तो आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने कंपनी का नेम, किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसका नेम आप डालेंगे और यहाँ पर अपना नेम मंथली इनकम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर टिक कर लेंगे, आई हैव ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास पहले से है या फिर किस वेरिएंट का कार्ड है, कितनी लिमिट उसकी है, वो चीज़ें यहाँ पर फिल करें। अगर नहीं है तो आप उस बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पर आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ऑफर जनरेट होगा, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो भी डेटा आप फिल करेंगे यहाँ पर जो ऑफर जनरेट होगा वहाँ पर कार्ड आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मिलेनिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जनरली यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको दिखेगा जीरो एनुअल चार्जेस, जीरो ज्वाइनिंग चार्जेस के साथ। उसके बाद गेट योर कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी फिल करने के लिए, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें आपको डालनी होगी, आपका करंट एड्रेस जो है वो फिल करेंगे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको वीडियो KYC का लिंक भेजा जाएगा, अगर कार्ड आपका यहाँ पर अप्रूवल जाता है तो यहाँ पर वीडियो KYC का लिंक मिलेगा। आप वीडियो KYC ऑनलाइन करेंगे, अपना पैन कार्ड सिंपली शो करते हैं। वीडियो KYC का प्रोसेस होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आता है, एजेंट विजिट करेंगे आपके होम एड्रेस पे एक फोटो लेने के लिए, वो भी अगर होता है तो आप कॉल करके जनरली वो क्या करते हैं व्हाट्सएप पे आपके फोटो मंगवा लेते हैं, आप खुद से विजिट करते हैं, ये चीज़ें आपका प्रोसेस होता है। इसी सिंपल प्रोसेस का यूज करके आप इजिली IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी लोगों को इससे रिलेटेड हेल्प मिलवाए। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।